अस्सलाम वालेकुम। इंसानियत पे बनी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए वीर चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, 7 बजे घंटी को ज़रूर ऑन कर लीजिए, उसके बाद लाइक डिसलाइक ज़रूरी है, उसके बाद शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। हम लोग एक्टर हैं, हमें हर कैरेक्टर निभाने पड़ते हैं। तुम्हारे पिछवाड़े में इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? चलो मुझे जाने दो। अस्सलाम वालेकुम मेरे चैनल वाले, मेरे भाई, मेरी बहनें, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का ये टाइटल आपने पढ़ लिया, राखी सावंत के ऊपर वीडियो है। राखी सावंत का, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राखी सावंत ने पाकिस्तानी परचम के साथ, ये जो पाकिस्तानी परचम है इसके साथ उन्होंने बड़ी याशी तो कर ली है, लेकिन इसका जो आप रिएक्शन बनेगा वो इंडिया के ऊपर, खास करके भगवा लोगों का, मैंने बताया था कि भगवा लोग क्या क्या करेंगे। और मीडिया तो ऑलरेडी आपका बिका हुआ है, बिल्कुल कुत्ता मीडिया है, तो इसलिए अब इन्होंने राखी सावंत के ऊपर बात कर दी, क्योंकि राखी सावंत का मुझे पूरा भरोसा था, दिल से भरोसा था कि जब इस चीज़ पे बात करेंगे तो ये ठोक बजा के अच्छे से जवाब देगी, और माशाल्लाह बहुत फिट करके इसने ठोका है और बहुत अच्छे से जवाब करके दिया इन्होंने। तो इसने राखी सावंत ने 4 सवाल तो कर दिए, जवाब इनको तो मिलना नहीं है, जवाब अपन देगा इसका 4 चीज़ों का। तो उसके बाद मीडिया का जो भी होगा वो मैं एंड पे थोड़ा सा, जितने भी इन्होंने जिस चीज़ से इनसे जवाब किया उनको थोड़ा सा जवाब मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले 4 चीज़ों के जवाब मैं राखी सावंत को दूंगा। सबसे पहला सवाल था सिद्धू पा जी का, तो सिद्धू पा जी का ये वीडियो देखे तो इसके बाद मैं जवाब दूंगा सवाल राखी सावंत का, जवाब मैं दूंगा, ये पहला देखे। और हमारे सिद्धू जी तो पाकिस्तान गए हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट लोग सब लोग जी मेरे भाई, ये था इनका पहला सवाल कि जिसमें सिद्धू पा जी का बताया इन्होंने, सिद्धू पा जी हैं वो गए पाकिस्तान, तो किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो राखी सावंत जी से मैं बोलूंगा कि सिद्धू पा जी क्या पूरी दुनिया के जो सिख बरादरी हैं, जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं, वो पाकिस्तान आएंगे, चाहे उनकी जान चली जाए, चाहे उनकी गर्दन उतर जाए, कुछ भी हो जाए, वो पाकिस्तान जरूर आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान तो पहली बात है उनका, मतलब बहुत सारे जो पुराने जो मतलब बुजुर्ग टाइप हैं जो भी हैं, उनके गुरुद्वारे हैं इधर, उनके पंजा साहब है इधर, तो उन्होंने आना है, उसके लिए कोई पूरी दुनिया की कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती, चाहे इंडिया का मीडिया हो, इंडिया की फौज हो, चाहे कुछ भी हो, जब उन्होंने आना है तो वो आएंगे। पहला सवाल, अब दूसरा सवाल इनका देख लीजिए। और हमारी सानिया मिर्जा जी हिंदुस्तान की शान जान, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, उन्होंने तो वहाँ पे शादी जी भाई। दूसरा सवाल इनका देख लिया आपने, सानिया मिर्जा जी के लिए इन्होंने बोला है। तो राखी सावंत जी से मैं बोलूंगा कि जैसा कि आप अभी एक फिल्म ऐड कर रही हैं जिसमें आपने रोल किया पाकिस्तानी लड़की का, तो ऐसी ही 1000 मूवियां पड़ी होंगी आपकी जिसमें जस्ट हीरो हिंदू बनाया जाए, इंडियन बना देते हैं और लड़की बना देते हैं पाकिस्तानी की, चाहे वो कोई भी करेक्टर हो, लेकिन वो लड़की बनाएंगे पाकिस्तानी, इस दो मुल्कों के दरमियान जब मूवी बनती है। तो ये आप मूवियों में सब चलता है, मूवियों में ये सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी असलियत असल में ये होता है कि पाकिस्तानी लड़का होता है और लड़की होती है हिंदुस्तान की। ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ पड़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मोहसिन खान है, इस तरह और भी है, शेख बलक हो गया, और भी काफ़ी सारे हमारे पाकिस्तानी हैं जिनके पास लड़की है, इंडियन है, लेकिन इस पर मैं कोई पॉलिटिक्स या इस पर कोई बात नहीं करूँगा। वो बोलते हैं ना, जो जोड़ी होती है वो बनती है आसमान पे, तो इनकी जोड़ी बनी होती है, तो इसलिए इनका मेल हुआ है, तो इससे कोई पाकिस्तान का या इंडिया का लेना देना नहीं है इन सब का। तो ये जस्ट आप मूवियाँ बनाते हैं आपके जो बॉलीवुड वाले हैं, और हकीकत जो होती है वो दिखाते हैं हमारे पाकिस्तान वाले। तो आप तीसरा सवाल इनका देखें, नवाज शरीफ जी के पास तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी तो बगैर इनविटेशन के चले गए थे पाकिस्तान जी। तीसरा सवाल इनका देख लिया, इन्होंने बोला कि प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई भी नहीं रोकता, प्राइम मिनिस्टर साहब जब चले जाते हैं तो उनको कोई सवाल नहीं करता। तो राखी सावंत जी से मैं इतना बोलूंगा कि मेरी एक बात याद रखो, जो बंदा किसी के घर का पेट पार होता है, जो लिफाफे दे रहे थे, लिफाफे का मतलब होता है कि लिफाफों में पैसे होते हैं, आपका जो मीडिया है वो है लिफाफा खोर, ऐसे भी हमारे भी मीडिया है लिफाफा खोर, ऐसे ही जो आपका प्राइम मिनिस्टर आया था वो बोलते हैं चोर जो होता है वो चोर के पास जाता है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास आया था, तो इन दोनों का सेम ही सिस्टम है। इनके खिलाफ मीडिया जो होता है वो बात नहीं करता, क्योंकि लिफाफा खोर के खिलाफ, लिफाफे जब मुंह में जाते हैं तो मीडिया उस पर कोई बात नहीं करता। तो आपने जो किया हुआ है उसकी तकलीफ आपके इंडियन वालों को जरूर होगी, ये बात पक्की है। तो अभी आपका ये चौथा सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेहतरीन सवाल है, ये जरा देखें। और हाँ, फुलवा अटैक को मैं कैसे भूल जाऊं, जिस देश हिंदुस्तान के देश में एक चिड़िया नहीं आ सकती, हमारे आर्मी चिड़िया को भी मार दे अगर। जी भाई, आपने ये बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा सीरियस अच्छा जवाब सवाल इन्होंने किया राखी सावंत जी ने, उस मीडिया से जो मीडिया
पहले इस चीज के ऊपर जो है वो सारा इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा चुका हुआ है। लेकिन मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो में बोला था कि 350 केजी आरडीएक्स उस एरिया में कैसे आ गया। बहुत मतलब सिंपल सवाल है लेकिन ये बहुत मायने रखता है ये चीज। मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला था कि जस्ट आप सिर्फ मोदी साहब से इतनी चीज पूछे कि 350 केजी आरडीएक्स कैसे आ गया। यही सवाल आप राखी सावंत ने पूछा और राखी सावंत ने चार वो सवाल पूछे हैं जिसका जवाब आपको राखी सावंत जी ये पूरा मीडिया क्या कोई भी बगवा या मीडिया आपको कभी नहीं देगा, क्योंकि ये सच्चे सवाल है। ये सब मैंने भी किए हुए हैं, सब पे वीडियो मैंने बनाई हुई है, लेकिन ये चारों सवाल सच्चे सवाल है, इनका जवाब आपको कभी नहीं मिलना। आपके ऊपर जरूर ये चीज इश्यू बनाएंगे कि आपने इस शहजादे पाकिस्तान के झंडे को क्यों सीने के ऊपर लगाया। लेकिन वो बोलते हैं कि जब सीने पे ऐसा ग्रीन झंडा पावर वाला झंडा लगा हो तो जिगरा जो होता है वो शेर वाला हो जाता है। इसलिए आप इतने तगड़े सवाल, इतने पावरफुल सवाल इस बिकाऊ मीडिया से पूछे, इनके जवाब आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये आप जो आप अपने काम किया है उसका रिएक्शन आपको अब अपने इंडिया से ही मिलेगा, पाकिस्तान से तो नहीं मिलेगा लेकिन इंडिया से ही मिलेगा। तो आपने अपना मीडिया भी देख लिया, आपने भगवा लोग भी देख लिए जो आपके ऊपर इतना कुछ मतलब बोलने पे लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी सपोर्ट इसलिए करता हूं कि आपने अपनी लाइफ में बहुत मुश्किलें देखी हैं, बहुत कुछ देखा है, आपने खुद को सुर्खियों के ऊपर हेडलाइंस के ऊपर आने के लिए आपने अपने ऊपर बहुत कुछ किया है, बहुत मुश्किल टाइम देखा है आपको। जैसा भी करेक्टर, जैसा भी एड, जैसी भी चीज मिली आपने उसको एक्सेप्ट किया है और आप सुर्खियों में रही हो। लेकिन इसी चीज के ऊपर मैं आपको बहुत मुबारक देता हूँ कि आपने इस चीज के ऊपर बहुत सारी मेहनत की है। लेकिन इस बस ये है कि जो आपने चार सवाल पूछे हैं अपने इन लोगों से, उसका जवाब ये बिकाऊ मीडिया और